स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, BBMQ सेमेस्टर 3 के लिए, जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेजर पेपर 4 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे की मेजर पेपर 5 के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे ये वीडियो, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेजर पेपर 4 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 by 1 हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे तो मैंने टॉपिक दिया हुआ है कि इस पे टॉपिक कौन सा है भाई, तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से कवर कर लेना है कि इससे आने वाले 25 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। अगर आपका IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है अच्छे से, आपको नेमिंग करने नहीं आ रहा है, तो आपको आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, फिर उसका आगे जाके और स्ट्रक्चर और उसका जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे करने में प्रॉब्लम होगा, तो बहुत जगह आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये सबसे पहले, अगर आप केमिस्ट्री मेजर पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, देखिए हम बोले थे ना आपसे हाइब्रिडाइजेशन को भी करना है, उसका सेप भी आप तभी कर पाओगे जब आपका क्लासिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होगा। तो हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह किस फॉर्म में आपको लिखना है। ये तो रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये देखिए, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, एक एक चीज इसमें से बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो ये पूरे 15 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे, ठीक है। तो ये तो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद एक चीज और, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, चूंकि आपका मेजर पेपर है और ये माइनर पेपर में भी पूछा जाता है। तो माइनर में जब पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मेजर पेपर में भी पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। इसमें से सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को की अगर हम बात करें तो आपको क्लासिफिकेशन करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, हाइपर कंजुगेशन भी करना है, ठीक है। उसके बाद होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक फिजन करना है, फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, याद रहे न्यूक्लियोफाइल्स का जो टाइप्स है वो टाइप्स को भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके टाइप्स कितने वो, और ये सारे रिएक्शंस हैं जिनका फॉर्मूलाज आपको करना है। तो आपको एक एक क्वेश्चन, वो रिएक्शन एल्किन्स के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के साथ कैसे बनता है, फिर से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स के साथ कैसे बनता है, ये एक एक पॉइंट आपको बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से वहाँ डील करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ दिखाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, यहाँ तक आपका 6 तक एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स, याद रहे अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह में कैसे इसको डिफाइन किया जाए, तो सिंपल सा बात है भाई, जिसको लिविंग सोर्स के थ्रू क्रिएट किया जाए, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, इट्स डेरिवेटिव कंटेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चा पार्टी, दैट यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑनर्स केमिस्ट्री, ठीक है, आपका ऑनर्स केमिस्ट्री है, दैट्स द रीजन आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से वहां एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइपर कंजुकेशन क्या होता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट शेप, उस शेप को आपको बहुत अच्छे से वहां क्लियर करके लिखना होगा, और एक एक चीज उसमें बहुत अच्छे से डील करना है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं चलो अरे इतना कर दिए ना, इट्स इनफ, चलेगा, वैसे भी टीचर इतने नॉलेज है कि उनको समझ जाएंगे, जी नहीं, आपको अपनी एग्जाम में कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि एक अननोन पर्सन भी आपके कॉपी को देखे, अननोन बोले तो जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, वो भी आपके कॉपी को देखे तो उनको लगे कि नहीं, लग रहा है कि ये बच्चा केमिस्ट्री ऑनर्स का है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा एक भी नंबर। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कॉपी को सजा रहे हैं टाइम पार हो रहा है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है, कैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली समझाया हुआ है कि सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी, देखिए
प्रीफिक्स का मतलब एक सेकेंडरी और प्राइमरी में होता है, एक सफिक्स का मतलब भी प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में इसको देखा जाता है, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग में लगता है ओ आर आर एफ बी आर आई, ये आगे वाले टर्म्स को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और प्राइमरी, ठीक है, आप थोड़ा सा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है, बिकॉज केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें नाम ही ऐसे ऐसे हैं कि कुछ कुछ में प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट टाइम में थोड़ा होता है। और प्राइमरी में क्या है? साइक्लो व्हेन रिंग इज प्रेजेंट। इसका प्राइमरी में कब यूज़ होता है? जब रिंग वगैरह के फॉर्म में आए तब, ठीक है। अब वही अपोजिट साइड बात करिए सफिक्स में, तो एक प्राइमरी के फॉर्म में होता है, एक सेकेंडरी के फॉर्म में होता है। ए एन ई, प्राइमरी के साथ ई एन ई, जिसमें डबल बॉन्ड, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये सब तो आपको पता होगा ना। सिंगल बॉन्ड मतलब एन, डबल बॉन्ड या मतलब ई एन ई, एल्कीन जिसको बोल रहे हैं एल्कीन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसका सेकेंडरी में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो कि OH वगैरह आता है, ठीक है, जिसको एल्कोहल का OL होता है ना। आगे की बात करेंगे, ये देखिए वर्ड रूट, ये सब तो आपको पता होगा। हाइड्रोकार्बन थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में भी है। हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली स्टूडेंट्स टू टाइप्स, व्हाट? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एल्कीन का केस आता है, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस आता है, जो कि एल्कीन और एल्काइन होता है। आई होप आपको मेरा राइटिंग बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, आपको जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, ये सब बहुत बेसिक्स फॉर्म्स होते हैं, जो कि आपको अगर आपको पता होगा तो और आप बहुत अच्छे से वहाँ पे आइडेंटिफाई करके क्लियर करके लिख सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं याद हो पा रहा है या फिर कोई थ्योरी अगर आपको नहीं याद हो पा रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि शुरू में बता देंगे तो फिर आपके लिए ये सब जो जो इम्पोर्टेंट बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा ना, वो भी शॉर्ट ट्रिक लगाने लगेंगे इसीलिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि आपको पढ़ने कैसे, ठीक है, क्योंकि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा नहीं है, वो समुद्र भर है, उसमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना, सिर्फ कह देना कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, दैट्स नॉट इनफ, उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हाँ इस लेवल के हैं, आपको ये सारे कर लेने हैं, आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। उसके बाद तो आप मैच्योर हो ही, उसके बाद तो आप देख ही लोगे। देखिए रूल्स, देखिए लॉन्गेस्ट चैन रूल है यहाँ पे, इस फॉर्म में भी आप देखोगे इसमें नेमिंग कैसे किया गया है। उसके बाद इसका एक एक फंक्शन, इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लेके कांटेक्ट करके और हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। उसके बाद देखिए ये सारा मैंने